मैं बताना तो नहीं चाहती, बट आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। और मेरे साथ फनी इंसिडेंट हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको तो पता ही है, स्कूल खुल गया है बच्चों के। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्कूल ले जाओ उनको। तो मैं स्कूल गई थी और स्कूल में बहुत सारी पढ़ाई की, बुक में ही चिपके रहना पड़ा टीचर के खौफ से। और आज था मेरा मॉक टेस्ट, तो मुझे सिलेक्ट किया नहीं क्योंकि दूसरे सेक्शन के बच्चों को सिलेक्ट किया। और मुझे उस टाइम बड़ा दुख हुआ। और तो स्कूल में मज़ा भी आया क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे मेरे साथ, तो बहुत मज़ा आया। गप्पे शप्पे लड़ाई, खाना शाना खाया, शेयरिंग नहीं की क्योंकि करोना है ना, तो करोना में शेयरिंग कौन करता है। इसीलिए शेयरिंग नहीं की, मतलब लंच वगैरह की शेयरिंग नहीं की। अगर किसी ने शेयरिंग की तो मैम ने तो दे रखा है। अब मैं बताना तो नहीं चाहती, बट आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। और मेरे साथ फनी इंसिडेंट हुआ। तो मम्मा नहीं थे क्योंकि मम्मा के वो थे ना, मम्मा ऑफिस गई थी, स्कूल थे, मतलब स्कूल में पढ़ाते हैं मम्मा। तो क्या हुआ, हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे स्कूल फॉर स्कूल। मैं नीचे गिरी, लोट पोट। मेरा एक तक ध्यान था कुत्ते पे क्योंकि कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है। तो एक तक कुत्ते पे नज़र थी क्योंकि अब बहर होना पड़ता है ना, कुत्ता काट नहीं सकता है। इसीलिए नीचे गई, कुत्ते को देख रही थी। मेरा ध्यान ही नहीं था और मैं लोट पोट होके 10 सीढ़ियों में नीचे गिरी। और मेरी टांग में चोट आई है और मेरे यहाँ चोट आई है बस। तो ये था मेरा फनी इंसिडेंट। और तो चलो, एक अंकल मुझे फ्लूट बजाते हुए मिला, देखना है ना आपको उन अंकल को। तो चलो देखते हैं उन अंकल को, और आप ज़रूर देखना कि वो कैसा फ्लूट बजाते हैं। मैंने सुना है वो बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक्स बजाते हैं। तो चलो आ जाओ। मैं बूट पॉलिश करता हूँ, इतना फ्री होता हूँ, फ्लूट बजा लेता हूँ। अच्छा, और मैंने दिल्ली में सीखी थी नॉर्थ प्लेस में। अच्छा, आपने आप ये फ्लूट बुलाने के लिए बजाते हैं ग्राहकों? नहीं, अपने शौक के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। अच्छा, तो आपने कब स्टार्ट किया ये? मुझे हो गए 20 साल, हो गए 20 साल से बजा रहा हूँ। अच्छा, आप कौन सी धुने बजा देते हो? ये तो मगर साथ देने का वादा करो, हम यूँ ही मस्त नगमे सुनाते रहे, ये वाला सॉन्ग। ठीक है, आप सुना सकते हैं? और भी गाने हैं मेरे पास। ठीक है, आप सुना सकते हैं? सभी को बोल दो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इनके चैनल को बिल्कुल बढ़िया कर दो और बहुत बढ़िया कर दो। तो सभी को बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसे गरीब लोग मिले प्लीज़ उनकी हेल्प करना। और अगर वाला फ़ोन दे देना 4GB। हाँ जी, अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन होगा तो अंकल को दे देना, उनके पास नहीं है। एक सब्सक्राइबर जो और बढ़ जाएगा। तो अच्छे गाने सुनाऊंगा मैं। हाँ जी, अंकल आपको अच्छे अच्छे गाने भी सुनाएंगे। और अगर आपको और इनके फ्रैक्चर भी हुआ है टांग में, हो रहा है। हाँ जी, एक्सीडेंट हो गया है इनका अभी। तो अगर आप
वैसे लोग मिले तो प्लीज़ उनकी किसी भी तरह से हेल्प करना, उनको कपड़े देना, फ़ोन देना या फिर पैसे देना, कुछ भी हेल्प करना। और बस यही कहना चाहती हूँ। जंकल ने बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाया फ्लूट से, इतना अच्छा, मेरे तो कान में शायद भूल गया। तो मम्मा को कुछ शॉपिंग करनी थी, ज़रूरी काम था, तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने मम्मा की विशाल मेगा मार्ट। तो चलो इन स्टेयर्स में भी मेरे को सावधानी से चलना पड़ेगा। क्या पता कब वैसे ही गिर जाऊँ।